कर रही है बिल्ली है। सर आप खुद देखो ना कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं तो कुछ पढ़ रही है। ये देखो इसने से जीभ भी बाहर निकाल ली अपनी, थोड़ी सी सो नहीं रही है, पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। ये देखो वेलकम बैक टू आवर रोहित टांग ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब भाई, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है आर रोहित टांग ब्लॉग्स में। तो ना गाइस आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं पॉकेट ऑफ फेस वन से जाएंगे हम मयूर विहार फेस वन मेट्रो स्टेशन। मेरा मारना कुछ ऐसा है यहाँ का। मेट्रो पे तो हम आ गए हैं, देखो दीदी हमें एग्जिट किससे होना है, गेट नंबर 8 से हमें एग्जिट होना है। तो हम एग्जिट होके गेट नंबर 8 से हम एग्जिट हो रहे हैं, गेट नंबर 8 से हम एग्जिट हो गए। दीदी हम जा कर रहे हैं, आप बता दो। हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर जा रहे हैं हम। तो फिर वहाँ से और कहीं भी जाना है? बंगला साहिब। अच्छा बंगला साहिब जाना है वहाँ से, और फिर वहाँ से और कहीं, वहाँ से देखेंगे प्लान करेंगे। अगर हुआ तो कहीं और चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और दीदी अभी एक चीज़ बता रही है, दीदी कौन लड़की मेरे को देख के ज़्यादा वो कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी भाई। अभी एक लड़की ना मेट्रो में मैंने देखा नहीं उसे, ना मुझे पता कौन थी, तो ना वो ना हरकतें कर रही थी मतलब, और मैंने देखा नहीं। दीदी बता रही थी कि रोहित को देख के ज़्यादा वो कर रही थी इसीलिए। ठीक है यहाँ से लेफ्ट हो गए, देखो गेट नंबर 7 राइट लेफ्ट गेट नंबर 7। अच्छा इस कनाट प्लेस तो हम आ गए हैं अभी, गेट नंबर 7 से हमने लिया एग्जिट। कनाट प्लेस में हम घूम रहे हैं, पर यहाँ पे वो आपने रील देखी हुई जो एक बंदा डांस करता है, हम आज उसे भी देखेंगे अगर मिल जाए तो। अगर वो बंदा आज हमें दिख जाए तो हम उसे भी देखेंगे कि यार बंदा कैसा डांस करता है वो, है ना। उसे देख के हाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा, मतलब 500-600 किलोमीटर इतनी दूर है। इधर उधर पहुँच जाएंगे, रिक्शा क्या करें, घूम भी लेंगे थोड़ा सा, इसी बहाने चल लेंगे। हनुमान जी मंदिर जा रहे हैं हम, हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है, कपड़े पड़े खरीदने हैं, शॉपिंग कर रहे हैं सबके साथ, शॉपिंग करने में लगे हुए हैं यार सबके साथ। यहाँ पे अब प्राचीन हनुमान मंदिर, मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ। नहीं यार यहाँ पे शूज़ वूज़ कहाँ उतारे हैं ये नहीं पता, अभी देखते हैं कहाँ उतारने हैं, अभी पता चल जाएंगे। ये देखो बंदर देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। दीदी कहाँ उतारना है? तो हमने अपने यहाँ उतार दिए हैं, और प्रसाद ले लेते हैं और फिर जाते हैं अंदर। देखो हमने प्रसाद तो ले लिया है, अब देखो पहले अंदर जा रहे हैं हम। चलो देखो श्री हनुमान जी महाराज का प्राचीन भोग विशाल भंडारा भी होता है यहाँ पे। आ जाओ मंदिर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे नहीं चेकआउट का तो कुछ है ही नहीं। यार कितना प्यारा मंदिर है, ऐसा है हनुमान 40 साल दिखे पड़ी है इधर पूरे में। दर्शन कर लो यहीं से,
यहाँ पे भी देखो मत्था ही टेक लेते हैं हम, उधर तो जगह नहीं मिल रही हमें। देखो तिबप्पा देखो यहाँ पढ़ भी सकते हैं हनुमान चालीसा। माता जी कृष्ण जी यहाँ पे भी जय हो। यहाँ पंडित जी बैठे रहते सुंदर कांड सुनने के लिए करने के लिए। पंडित जी के कान में अपनी इच्छा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे तो हम बाहर आ गए, अब देखो श्री हनुमान कचौड़ी, ये कचौड़ी बहुत फेमस है। और ये देखो, ये देखो बिल्ली, देखो क्या पता नहीं पूजा पाठ कर रही है, क्या कर रही है देखना, लगता है पूजा पाठ कर रही है बिल्ली है। यार आप खुद देखो ना कैसे पूजा पाठ कर रही है, नहीं तो कुछ पढ़ रही है। ये देखो इसने शायद जीभ भी बाहर निकाल ली है अपनी, थोड़ी सी सोनी रही है, पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। ये देखो तो आप ये देख रहे हो श्री हनुमान कचौड़ी। तो भाई यहाँ का ये सब में फेमस कचौड़ी वाला है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट और सब में ज़्यादा फेमस। और ये देखो इसके साइड में राम कचौड़ी वाला, ये भी बहुत फेमस है। तो आज हम यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है। किस पे चलना है, राम कचौड़ी? तो भाई हम राम कचौड़ी वाले पे चलते हैं। मैंने तो ब्रेड पकौड़े लिए हैं, इन्होंने कचौड़ी लिए हैं, इन्होंने भी कचौड़ी और भूमिका ने भी ब्रेड पकौड़े लिए हैं। भाई जी रहे राम कचौड़ी वाला, अब हम खाते हैं। यहाँ देखो कितनी भीड़ आ रही, क्योंकि नहीं ना बहुत फेमस जगह है यहाँ की, बहुत फेमस जगह है। तो हम खा के फिर आपसे मिलते हैं। तो कैसा है फैन? बहुत अच्छा, क्रंची क्रंची, खा के देखो ब्रेड पकौड़े। टेस्ट कैसा है? तो वाइज हम भी ट्राई करते हैं कैसा है। हमने कचौड़ी तो खा ली है, और फिर जैसे हम बाहर आए कचौड़ी वचौड़ी खा के अब हम जा रहे हैं बंगला साहिब की तरफ। और ये देखो क्या खा रहे हैं, पापड़। वो भी मैं नहीं खा रहा, सबके सभी खा रहे हैं। बचपन की यादें हम पहले खाते थे, मैं खुद से बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। यार हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, पहले खाते थे अब नहीं खाते। चलो बंग बंग इसे खा लें, फिर बंगला साहब जाते हैं हम, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। बंगला साहब तो अब हम आ गए, लेकिन यार हम पता है क्या, हम ना दूसरे गेट से आए, मतलब एंट्री गेट से नहीं आए, पीछे वाले गेट से आए। और क्या कहते हैं यहाँ से, मतलब ये नहीं कि हम ही अकेले जा रहे हैं, यहाँ से बहुत लोग जा रहे हैं। तो अब हम पहले जाते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं। भाई ये रहो, आप देख ही सकते हो, चूज़ घर, मतलब यहाँ आप जूते वूते उतार सकते हो। हेलो, मोस्टली लोग यहाँ पे आए हैं, जिन जो जो नहीं आए वो आ सकते हैं। देखो प्रसाद मिलता है, प्रसाद यहाँ से लेके फिर अंदर जाएंगे हम, लेकिन यार अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। पहले यहाँ से प्रसाद ले लेना है, फिर जाएंगे अंदर, ठीक है। अभी देखो प्रसाद ले लिया है दीदी ने, अभी ये चढ़ाने जा रहे हैं भाई, हम भी जा रहे हैं अंदर। यार अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब छीन सकते हैं फ़ोन वो ना, आपको ही पता है ये बात। तो अंदर जाके फिर मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। अगर अंदर अलाउड हुआ तो आपको दिखाएंगे, नहीं हुआ तो फिर
कोई नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा है मतलब कि ना फोटोग्राफरी फोटो खींचने में और क्या कहते हैं वीडियो शूट करने में ना, और बहुत मतलब जो सरदार जी होते हैं ना वो ना बहुत बोल रहे हैं मत करो मत करो, और दो बार तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया, तो इसलिए कोई बात नहीं। चलो ये देखो हम आपको यहाँ से तो दिखाई सकते हैं, देखो कितनी सारी फिश है, कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं यार, देख रहे हो आप लोग, ये देखो कितनी सारी फिश हैं। यहाँ से तो आपको दिखाई रहा हूँ क्योंकि उधर उधर के कहते हैं पाजी खड़े हुए थे बहुत सारे, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी फिशेज हैं यार सच में। ऊपर क्या है, अरे ये तो बत्तख है, फिश देखो और कितनी प्यारी, यहाँ पे टच करूँ इन्हें, टच करूँ कर लिया मैंने टच ने। इतनी देर से यहाँ तो घूम लिया, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं यार, लेकिन यार कितना प्यारा है, देखो फिशेज देखी आपने, आपने फिश देखी थी कितनी बड़ी बड़ी थी यार, फिश बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन यार यहाँ पे ना फ़ोन मतलब फ़ोन ना छीन रहे हैं, मतलब यार उनका भी सही यार मतलब होता है धार्मिक स्थल पे फ़ोन वोन ले जाना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं यार तब भी लोग वाक करते हैं, लोग वाक क्या मैं खुद कर रहा था तो मेरा फ़ोन ही छीन लिया था, फिर मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने चलो कोई बात नहीं वीडियो नहीं बना रहा इसलिए मैं। तो गाइस फिर हम अभी यहाँ से थोड़ी बहुत देर में निकल के फिर घर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस घर तो हम लोग आ गए हैं, तो गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, ओके बाय बाय।